सो लास्ट क्लास में क्या स्टडी किया था हम लोगों ने? लास्ट क्लास में हम लोगों ने अपना जो चैप्टर थर्ड जो रनिंग में था, प्रेयर ऑफ अ फादर, जो अपना चैप्टर थर्ड रनिंग में था वो हम लोगों ने कंप्लीट किया था। उसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स थे और जो भी मतलब थे वो हम लोगों ने सब कंप्लीट किए थे। ओके, नाउ इन दिस क्लास व्हाट वी हैव टू स्टडी, इस क्लास में क्या स्टडी करेंगे? इन दिस क्लास विल स्टडी आर नेक्स्ट टॉपिक, चैप्टर फोर्थ। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इस क्लास में, चैप्टर फोर्थ, आई फ्लोट माई पेपर बोट। चैप्टर फोर्थ है, ओके, सो स्टार्ट करते हैं। आई फ्लोट माई पेपर बोट मतलब मैं अपनी जो पेपर से बोट बनाते हैं ना हम लोग, वो तैराता हूँ। ओके, आई फ्लोट माई पेपर बोट, चैप्टर फोर्थ स्टार्ट करते हैं। डे बाई डे आई फ्लोट माई पेपर बोट, दिन भर दिन मतलब हर दिन, प्रतिदिन, हर एक दिन मैं अपनी पेपर से बनाई हुई बोट को तैराता हूँ। फ्लोट मतलब जैसे पानी में डाल देते हैं, ओके, तैरने के लिए पानी में डाल देते हैं तो वो क्या होते हैं, फ्लोट, पानी पे वो तैरती रहती है। ओके, डे बाय डे, दिन भर दिन, प्रतिदिन आई फ्लोट माय पेपर बोट्स, मैं अपनी पेपर बोट्स को फ्लोट करवाता हूँ। वन बाय वन डाउन द रनिंग स्ट्रॉम, एक मतलब एक एक करके जो बहता हुआ जो छोटा नाला होता है, जो नदी से निकला हुआ होता है, नदी से छोटा सा जो हम नाला निकाल लेते हैं वो क्या होते हैं, स्ट्रीम। कि नदी तो बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, ठीक है, उस नदी का एक छोटा सा पार्ट जब हम निकालते हैं, एक साइड से निकाल लेते हैं, वो क्या होते हैं, स्ट्रीम। सो एक एक करके मैं उसे जो स्ट्रीम है उसमें डालता हूँ। इन बिग ब्लैक लेटर्स, बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में आई राइट माई नेम, मैं अपना नाम लिखता हूँ। वन ऑन देम एंड द नेम ऑफ माई विलेज वेयर आई लिव, मैं अपना नाम लिखता हूँ बड़े बड़े लेटर्स में, बड़े बड़े ब्लैक लेटर्स में मैं अपना नाम लिखता हूँ और मैं जहाँ रहता हूँ, जिस गांव में मैं रहता हूँ उस गांव के नाम लिखता हूँ। आई होप दैट समवन इज सम स्ट्रेंज लैंड, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि कोई भी स्ट्रेंज लैंड पर, कोई भी स्ट्रेंज जमीन पर कोई विल फाइंड देम ऑल एंड न्यू आई एम, और जब वो उसे लेंगे कोई भी मतलब जहाँ पर वो जाएगा, जहाँ भी वो मतलब स्ट्रेंज जमीन पर वो जाएगा, अनजानी लोगों के पास जाएगा, अनजानी जगह वो जाएगा, तो वो लोग उसे लेंगे और वो मुझे जानेंगे कि मैं कौन हूँ। आई लॉड माई लिटिल बॉट्स विथ सिविली, ओके, आई लॉड माई लिटिल बोट्स, मैं अपनी जो लिटिल बोट, जो छोटी सी जो उसकी बोट है उसमें क्या क्या लॉड करता हूँ, क्या क्या डालता हूँ, फ्लावर्स फ्रॉम आर गार्डन, हमारे गार्डन से कुछ जो फ्लावर्स होते हैं, जो फूल होते हैं वो लेके उसमें बोट में डालता हूँ, लॉड करता हूँ। एंड होप, और उम्मीद करता हूँ दैट दीज ब्लूम्स ऑफ द ड्रॉन विल बी कैरीड सेफली टू द लैंड इन द राइट, और ये उम्मीद करता हूँ कि जो ब्लूम्स, जो फ्लावर्स मैं उसमें डाल रहा हूँ वो मॉर्निंग टाइम में जिस जगह है मैं पहुँचाना चाह रहा हूँ वो उस जगह है सेफ पहुँच जाएंगे। ओके, सो इट्स अ पोएम, इस पोएम में एक बच्चा होता है, ओके, वो क्या करता है, वो हमेशा प्रतिदिन हर एक दिन वो एक बोट बनाता है, अपनी पेपर बोट बनाता है, और जो उसके पास से, उसके विलेज के पास से या फिर जहाँ से भी एक स्ट्रीम निकल रही होती है, एक नदी का जो नाला निकल रहा होता है उसमें वो हमेशा बहा देता है, और उस पर ब्लैक लेटर से, ब्लैक बड़े बड़े लेटर्स से वो अपना नाम लिखता है, और जहाँ वो रहता है उस प्लेस का नाम वो लिखता है, और वो ये सोचता है कि वो जिस भी स्ट्रेंज पर्सन के पास जाएगा, स्ट्रेंज अनजानी जगह वो जाएगा, अनजाने लोगों के पास अगर वो जाएगी, वो उसे लेंगे तो वो उसे जान सकेंगे, उस बच्चे को वो जानेंगे, और वो उस बोट में क्या फिल करता है, क्या लोड करता है, फ्लावर्स फ्रॉम द गार्डन, फ्लावर्स गार्डन से फ्लावर्स लेके वो उसमें लोड करता है,
और ये सोचता है कि ये फ्लावर्स एवरी मॉर्निंग किसी ना किसी राइट प्लेस पर वो जाएंगे, जहाँ वो राइट प्लेस पर वो जाना चाहते हैं वो वहाँ जाएंगे। ओके, राइटर्स रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है राइटर्स, पोएम के राइटर कौन है? पोएट रविंद्रनाथ टैगोर। ओके, सो आवर चैप्टर्स फॉर टुडे विल स्टडी ओनली दिस मच। ये पोएम हम लोगों ने स्टडी की है, यू हैव टू रीड दिस पोएम ट्वाइस। ओके, बाय।